भाजी आज हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो हमारे शो पे पहली बार आ रहे हैं। इनफैक्ट एक तो उनमें से ऐसे भी हैं जो पहले कभी फिल्म में भी नहीं आए। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा फिल्म मिर्ज़िया के डायरेक्टर मिस्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा और हर्षवर्धन कपूर। जोरदार तालियां। हर्ष कहाँ रह गए? हर्ष मेरे साथी था अभी, पता है? हर्ष वर्धन कपूर। अच्छा मुझे ये बड़ी खुशी हुई जान के। हाँ। हर्ष बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हैं, अनिल कपूर जैसे। नहीं एक्चुअली कपिल मैं आजकल हर्ष जैसा लगने लगा हूँ। आप अनिल कपूर ही हैं? मैं अनिल ही हूँ, मैं बिल्कुल अनिल ही हूँ। क्या बात, मुझे पता नहीं था राकेश सर अनिल सर भी हैं मिर्ज़िया में। नहीं वो क्या है कि वो एक्चुअली वो आना चाह रहे थे मगर मैंने थोड़ा घबरा रहे थे तो मैंने कहा तू रुक जा, तू घर पर ही बैठ, एक दो फिल्में रिलीज हो जाए उसके बाद आना कपिल के शो में। कपिल क्या है ना, मैंने कहा उसको कि भाई कपिल तो अपना बच्चा है, जाकर थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ, उसके बाद यू नो जब व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल तभी आना। तो मतलब अब आप अपने बेटे से भी कंपटीशन करने लगे? इनका बस चले तो मिर्ज़िया में भी खुद को कास्ट करवा लेते। एक्चुअली राकेश साहब मुझे लेना चाहते थे, थोड़ा एज का प्रॉब्लम हो गया। क्या है ना वो सैमी जो हीरोइन है वो थोड़ी मेरे से बड़ी लगती है, वो थोड़ी 20-21 की लगती है और मैं 17-18 का लगता हूँ। चलिए ये बात तो सच है। राकेश सर अनिल सर आइए प्लीज, विराजमान होइए, देखिए आपके सूट के साथ मैचिंग सोफा। राकेश सर की फिल्में रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग दोनों को ही नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है सर, आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। पाजी राकेश सर ने 35 साल पहले एक प्ले देखा था मिर्ज़ा साहिबा। अच्छा। तो स्टोरी उनके दिल में बस गई। हाँ। तो सर एक थॉट को फिल्म में बदलते 35 साल क्यों लग गए? जो प्ले था नाटक कप्तान मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा था, कल्चरल फेस्टिवल था। अच्छा जी। और नाटक का अंतिम सवाल पे हुआ कि भाई साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। अब इसका मैं आंसर ढूंढता रहा जी, मिला नहीं। 30-35 साल निकल गए जी, तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में रह गई। तो मैंने गुलजार भाई को फ़ोन किया जी, मैंने कहा सर चाय पिलाएंगे, उन्होंने कहा आ जाओ, पड़ोसी है। मैं फट से उनके घर पहुंच गया। अच्छा। चाय का पहला सिप लिया और पूछा गुलजार भाई ये साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? कहते हैं बच्चों ये तो तुम जाके साहिबा से पूछो, मेरे से क्यों पूछो? अच्छा। मैंने कहा सर मिल नहीं रही, कब से ढूंढ रहा हूँ साहिबा को, आप ही बता दें। तो उनकी आँखों में चमक आई, वो समझे मैं कहाँ जाना चाह रहा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा चलो हाथ पकड़ के चलते हैं, साहिबा को ढूंढेंगे, मिर्ज़ा को ढूंढेंगे, उन्हीं से पूछ लेंगे कि ऐसा किया तो क्यों किया, तीर क्यों तोड़े। तो ऐसे शुरुआत हुई मिर्ज़िया की। क्या बात, क्या बात। आज आपसे एक सवाल करूंगा क्योंकि मैंने ये राकेश जी को हमेशा सुना है कहते हुए कि ये गुलजार साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि यू नो कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। आपको तो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी पता ही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? मैं थोड़ा पुराना हूँ। हाँ। लेकिन आप मुझसे ज्यादा पुराने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्यों तोड़ा? तीर इसलिए तोड़े। हाँ। क्योंकि जो मिर्ज़िया था। हाँ। वो इतना जबरदस्त आर्चर था कि साहिबा को डर था कि अगर मैंने तीर नहीं तोड़े और हमारा प्यार इतना बुलंद है इस वक्त और वो कुछ भी कर सकता है अपने प्यार के लिए, तो ऐसा ना हो कि ये तीर से वो पांच, उसके पांच भाई थे, सही बात है कि मार गिराया किसी को, पांच भाई थे, वो पांचों भाई को तीर से, तीर कमान से खत्म ना कर दे, मार ना दे, जान से ना मार दे, इसलिए उसने तीर तोड़े थे। अरे
इसलिए मैं बोल रहा था, एक्चुअली मुझे लेने वाले थे मिर्जिया में, इतना मैं घुस गया था, यस इतना स्क्रिप्ट मुझे मालूम था, मिर्जा के कैरेक्टर में इतना चला गया था, वो प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कि एज की प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आपको पता मैं कैरेक्टर कितनी रिसर्च करता हूँ। मैं बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ आपकी बात। फिल्म मिर्जिया में राकेश सर ने अनिल सर के बेटे हर्षवर्धन को कास्ट किया। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी दिल्ली 6, उसमें इन्होंने सोनम को कास्ट किया, सोनम कपूर को। अच्छा, हम क्या मतलब समझेंगे, आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, उनके पापा नहीं अच्छे लगते? आप मतलब ये आपको डेट्स नहीं देते, आप इनको फिल्में नहीं देते? देखिए, ये पापा वर्ड से मैं थोड़ा टची हूँ, जरा पापा नहीं बोले तो अनिल को नहीं लेते। हाँ, और ज्यादा आपको इज्जत देनी तो अनिल जी बोल रहे। गलत बात है यार, नेगेटिव हो रहा है तू यार, पापा बोल के बड़ी। नहीं, सॉरी सॉरी फॉर माय अपोलोजेटिक वर्ड्स। आप सोनम और हर्षवर्धन के अनिल को क्यों नहीं काम देते? क्या है कि मैं क्या बच्चों के साथ काम नहीं करता, मैं कोई चाइल्ड फिल्म थोड़ी बना रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली सर ये चिल्ड्रन फिल्म हो तो समझो 18 साल का तो हो जाए कम से कम। हाँ, इसलिए रंग दे बसंती में इन्होंने आमिर को लिया। रंग दे बसंती में जो स्टूडेंट्स थे, मुझे लोग थोड़े से सीरियस स्टूडेंट्स थे, आमिर वगैरह वगैरह, तो मैं सर, तो थोड़ा आपको पता है यू नो सर, वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, हमें 9th फेल नहीं चाहिए था। सर मिर्जा के ट्रेलर में हम देखे तो साफ ऐसा चलता है कि उस एरा की दो फिल्में चल रही हैं, एक आजकल के एरा की, एक मिर्जा के ओरिजिनल जो उसका पीरियड था उस समय। रंग दे बसंती में भी हमने देखा, उसमें भी एक तरफ भगत सिंह जी की स्टोरी चल रही है, एक तरफ आजकल के कॉलेज की जो स्टोरी है। तो सर आपको नहीं लगता कि आप एक टिकट के खर्चे में दो दो फिल्में दिखा देते लोगों को? सर क्या है कि मेरे को वैसे एक फिल्म बनाने में 4-5 साल लग जाते जी, तो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी फिल्म बनाया करो भाई, ये 4-5 साल क्यों ले रहे हो? तो मैं 4-5 साल में एक फिल्म में दो फिल्में बना देता हूँ। अच्छा, ये अच्छी अच्छा लॉजिक है, वेरी नाइस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.